हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने चेहरे की मसाज कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज अपने चेहरे की मसाज करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी पैराशूट कोकोनट ऑयल, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप दोनों एलोवेरा जेल और साथ ही साथ पैराशूट कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ड्राई स्किन है इसीलिए मैंने जो है ऑयल चूज़ किया। अब इसे हम जो है अपने चेहरे पर लगा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने चीक्स की जो है मसाज करनी है कुछ इस तरीके से, फिर आप अपने अंडर आईज की मसाज करेंगे। इससे जो है काफ़ी रिलैक्स होगी आपकी स्किन और जितनी भी आपकी चेहरे की गंदगी है वो भी सारी बाहर आ जाएगी। आपकी स्किन में जो है एक अलग ग्लो और शाइन भी आएगा दोस्तों साथ ही साथ। दोस्तों, जब आप अपने चेहरे की मसाज करेंगे तो आप आंखें बंद करके करें, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, इस तरह आपको अपने चेहरे की 5 से 7 मिनट तक मसाज करते रहना है। ये कुछ इजी से स्टेप्स जो है मैंने आपको मसाज के लिए दिखाए हैं, और आपकी मसाज हो जाने के बाद अगर आप ऑयल से मसाज कर रहे हैं तो आप कॉटन पैड की हेल्प से अपना चेहरा जो है अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। दोस्तों, ये हो जाने के बाद आप अपना चेहरा जो है फेस वॉश से वॉश कर लेंगे। आपको एक जो ग्लो और शाइन होता है आपकी स्किन में तुरंत दिखेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बेशक आपको शाइन दिखेगा, और अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल को ऐसे ही अपने चेहरे पर छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप्स है दोस्तों अपने चेहरे की मसाज करने के लिए। अगर आप हफ्ते में एक बार भी ये मसाज करते हैं तो आपकी स्किन जो है लूज़ नहीं होगी, मसाज से स्किन टाइट होती है और साथ ही साथ आपके चेहरे की गंदगी भी साफ होती रहेगी और आपका चेहरा एकदम शाइन और स्मूथ हो जाएगा। तो ज़रूर इन स्टेप्स को जो है आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।